नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। लगात जब से 2024 का यह अलायंस हुआ है, देखा क्या जा रहा है कि नीतीश कुमार जो खबरें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार इस पूरे गठबंधन से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में जब 23 जून को पहली बैठक हुई थी उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करते हैं, सबको साथ जोड़कर वो लाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या देखा गया कि कांग्रेस पार्टी इसको पूरी तरीके से ओवरटेक कर लेती है और यहाँ पर लालू यादव भी नीतीश के साथ देते हुए नजर नहीं आते हैं और ये पूरा गठबंधन अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है और नीतीश कुमार को कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी गई है। आखिर हालांकि गठबंधन का कहना था कि अभी जिम्मेदारियों की बात नहीं कर सकते, जब चुनाव आसपास होगा या जब उनकी बैठक ये मत बना लेगी कि आखिर किसको चुनाव की जिम्मेदारी देनी है, किसको क्या पद देना है, उसके बाद इसका खुलासा होगा। लेकिन कहा यह जा रहा था कि संयोजक यहाँ पर नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है, बेंगलोर में ही जो है इसका खुलासा कर दिया जाएगा, उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी, लेकिन अब बात मुंबई बैठक तक टल गई है और अब देखा जाएगा कि मुंबई में क्या ना होना है। लेकिन जो ये महागठबंधन आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच हुआ था, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के बीच हुआ था, जिसमें तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उसमें लगातार नया बखेड़ा शुरू खड़ा होता जा रहा है। और यहाँ पर क्या कहा गया था सुशील कुमार मोदी के द्वारा कि यहाँ पर ऑपरेशन लोटस जो है, ऑपरेशन कमल जो है, वो बिहार में चल सकता है और यहाँ पर बिहार में आरजेडी के विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि महागठबंधन सरकार में एक और बखेड़ा शुरू हो गया। इस बार का मामला राजस्व विभाग से जुड़ा है। दरअसल 30 जून 2023 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता की ओर से 40 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई थी। सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद इसे एक झटके में रद्द कर दिया गया और जिसके बाद से देखा जाए तो जो दूसरी गठबंधन के जो मंत्री के कोटा हैं उनकी बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सुनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं ये अंतर दोनों पार्टियों के बीच, इस गठबंधन के बीच होता जा रहा है। 2024 के अलायंस के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है और बिहार की राजनीति के लिए भी खतरनाक हो सकता है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।